नमस्कार, मैं आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल यूट्यूब चैनल टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी से इस वीडियो में बात करेंगे राहु केतु का गोचर मेष से मीन तक क्या फल सभी राशियों को इस ग्रह गोचर में राहु केतु देव देने वाले हैं, किस प्रकार का फल हम सबको मिलेगा। उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय, संपर्क नंबर 9437580589 और 9938727418। विषय पे जाएं उससे पूर्व प्राक सूचना, कोरोना के बाद जो भी बेरोजगार युवा बंधु हैं, फिर से हम लोगों का आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, स्वदेशी स्वावलंबन गुरुकुल, गोकुल गुरुकुल के 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के प्रशिक्षण कोर्स प्रारंभ हो रहे हैं। दाखिला या एडमिशन हेतु संपर्क कर सकते हैं। आध्यात्म गुरुकुल में वेद, वेदांत और कर्मकांड और अष्टादश पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत जी, रामायण इत्यादि का, गौ कथा, आपको कथावाचक बनाया जाएगा। कर्मकांड में और ग्रह शांति इत्यादि, हवन पूजा पाठ कर्मकांड सिखाया जाएगा। कृषि गुरुकुल में इसी प्रकार प्राकृतिक, नैसर्गिक, ऑर्गेनिक कृषि इत्यादि का प्रशिक्षण। स्वावलंबन स्वदेशी उत्पाद गुरुकुल में भिन्न भिन्न प्रकार के अति आवश्यक उत्पादों को उत्पादन करना, मार्केटिंग करने का प्रशिक्षण। इस हेतु आप एडमिशन ले सकते हैं। लर्न एंड अर्न मेथड, पढ़ाई के दौरान कमाई और उत्तीर्ण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण छात्रों को जो नौकरी मानसिकता रखते हैं, हालांकि हमारा लक्ष्य नौकरी से नहीं है, लेकिन अगर कोई नौकरी चाहे तो नौकरी का भी व्यवस्था कराया जाएगा। और इस प्रशिक्षण के दौरान ही आपको आपके क्षमता, पात्रता, दक्षता के अनुसार अगर आप हमारे मान पे उतरते हैं खरा, तो आपको मानदेय, अर्थ इत्यादि भी दिया जाएगा। सबको नहीं, जो लोग सफलतापूर्वक हमारे प्रशिक्षण पे उतरेंगे उनके लिए। अब आते हैं राहु देव और केतु देव का मेष और तुला राशि में गोचर, किस प्रकार का फलादेश। एक 12 राशियों का सम्यक विवरणी और उसके बाद बाकी वीडियो में एक एक राशि को लेके विचार करेंगे, विशद विचार करेंगे। तो सबसे पहला मेष राशि, कालपुरुष कुंडली का पहला राशि, अग्नि तत्व का राशि, और यहाँ अधिपति राहु का शत्रु मंगलदेव, और इस राशि में 3 नक्षत्र जो कृतिका, भरणी और अश्विनी, इन 3 नक्षत्रों को राहुदेव क्रॉसओवर करेंगे, पार करेंगे, गोचर करेंगे, और अलग अलग नक्षत्र के अनुसार फल। और केतुदेव यहाँ विशाखा, स्वाति और चित्रा तुला राशि में 3 नक्षत्रों को गोचर करेंगे, क्रॉसओवर करेंगे, तो उस समय भी अलग अलग फल विस्तार, विशद विचार उस समय करेंगे। अभी केतुदेव मेष राशि में गोचर करते हुए आने वाले वृषभ राशि में गोचर करते हुए मेष में 12 अप्रैल को पधार रहे हैं, और यहाँ करीब 29 नवंबर 2023 तक इनका गोचर रहेगा।
लगभग 1.5 साल एक लंबा समय। और ये जो मीन नोड ट्रू नोड का बात है, कुछ पंचांगों के अनुसार ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ पंचांगों के अनुसार आने वाले हैं। ये द्वंद्व है, रहेगा, इसमें हमें उतना ज़्यादा चिंतन नहीं करना है। लेकिन हर बड़ा ग्रह जब भी एक राशि से दूसरा राशि में जाता है तो कुछ विज्ञ पंडितों के अनुसार 6 महीना 3 महीना पूर्व फल देना चालू कर देते हैं। हालांकि धीरे धीरे, कोई एक साथ एक रात में फल नहीं दे देते हैं। और अभी देखने में आ चुका है, लोग राहु का इफेक्ट लोगों के अंदर आना चालू हो चुका है। देखिए, चावल का घड़े में एक चावल दबा देने से पता चल जाता है कि चावल सिक्त हुआ, सीधा पका कि नहीं पका। तो इस समय बहुत सारे जो भी इस प्रकार की कुंडली जातक आ रहे हैं अपने अपने समस्याओं को लेके, तो समझ में आ जाता है कि हाँ, अब राहु देव इफेक्ट करना चालू कर दिए। तो मेष राशि कालपुरुष कुंडली का सर और सर में राहु, तो जब सर में राहु, एक में राहु, पहला राशि लग्न में राहु, तो पूरे विश्व के सर पे, दिमाग पे राहु का प्रभाव। तो मेष राशि एक भेड़ का चिन्ह, तुरंत तुनक मिजाजी और नेचुरल अग्नि और क्रोध यहाँ है, और उसमें राहुदेव, राहु भी उसी प्रकार के भय, भ्रम और भूल का कारक। छलिया, धोखा, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र का ग्रह, पापी और अति पापी, क्रूर, ऐसा ग्रह। छाया ग्रह, जहां बैठते हैं वहां भी और जहां देखते हैं वहां भी उनका पाप प्रभाव, क्रूर प्रभाव, विच्छेदात्मक एक ग्रह। लेकिन कलयुग का एक महान दाता भी, जब देते छप्पर फाड़ के, कलयुग का महाराजा, जो राहु को नहीं समझा वो कुछ नहीं समझा, जो राहु को अनुभव नहीं किया वो कुछ अनुभव नहीं किया। और राहु देव का गुणगान में कहा जाता है, बुद्धि विहीनम मतिविभ्रमम सर्वम च शून्यम व्याधि वियोग धनहानि विषाद विषानि चैव राहुर्दशा जीवित संशयम च। यानी राहु का महादशा हो या गोचर में, राशि में आ जाए, लग्न में आ जाए, तो व्यक्तित्व के अंदर इनका प्रभाव, दृष्टि से ज़्यादा इनका प्रेजेंस लग्न में राशि में रहना, नो डाउट आदमी का जीवन हिल जाता है। तो अब वृष और वृश्चिक को छोड़ते हुए मेष और तुला में, तो इनका जीवन नेचुरली हिलेगा और हिलना चालू हो चुका है। बुद्धि विहीनम करेंगे, मति विभ्रमम करेंगे, सर्वम च शून्यम अनुभव ऐसा होगा, व्याधि वियोग धनहानि विषाद विषानि रोग 100% वियोग होगा। लग्न में बैठ के 7th हाउस पे दृष्टि जाएगा तो स्वाभाविक मत पार्थक्य, मतभेद, वाद विवाद, झमेला झंझट, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, और इन सब के द्वारा धन हानि, प्राण पीड़ा, और इसके कारण विषाद। और जब भी द्वितीय स्थान पे राहुदेव रहते हैं या लग्न में, तो जरूर विषक्रिया, भोजन में थकावट, विषादी सर्प, विषादी जंतु, विषादी भोजन, हो सकता है आउटडेटेड मेडिसिन, हो सकता है गलती से कोई फूड पॉइजनिंग, और कभी कभी अगर राहु कष्ट देने लगें तो जातक को
ऐसा भी लगता है जीवित संशयम च, बचे या मरे इसके ऊपर संशय आ जाता है। तो ऐसा राहु जिनका दृष्टि पंचम सप्तम और नवम दृष्टि है, ऐसा राहु मेष राशि के लग्न के ऊपर रह के पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, जिसका परिणाम हृदय स्थान, पेट स्थान, शिक्षा और प्रेम क्षेत्र में विफलता, धोखा, भ्रम धीरे धीरे मिलेगा, किसी भी समय मिलेगा। वाणी में उग्रता, व्यक्तित्व में उग्रता और धोखा षडयंत्र, अगर इस समय मेष राशि वालों का राहु महादशा चला हो तो उनके लिए सबसे ज्यादा विपदपूर्ण होने वाला है। और साथ में द्वादश में गुरु बृहस्पति और इधर से केतुदेव देख रहे हैं, हालांकि केतुदेव यहाँ कंट्रोलर और मॉडरेटर का भी काम करेंगे, एक सुप्ता देंगे। तो गुरु बृहस्पति जो बचाने वाला, स्वयं द्वादश स्थान पे लॉस हाउस में जब आए और लग्नम पे राहु, तो जिंदगी हिलेगा ही नहीं, एक भवंडर बनेगा। डरा नहीं रहा हूँ महाराज, आगाह कर रहा हूँ, हमारा काम आपको डराना नहीं है, हमारा काम आपको सावधान आगाह करना और जानकारी ही बचाव है। तो इसलिए मेष राशि वाले थोड़ा अपने को आध्यात्म क्षेत्र में लेके जाएं, ध्यान, योग निद्रा, गौ माता का सेवा, मंदिर में जाना, शिव जी के शरण में, नारायण के शरण में आना अत्यंत उपकारी होगा। अब बात करते हैं मेष के बाद वृष राशि। वृष राशि के एकादश स्थान पे बृहस्पति और वृष के द्वादश स्थान पे राहु, तो 12 देखिए लग्न पे जो पीड़ा दिए दिए, अब द्वादश में जाए तो और ज्यादा समस्या। जैसे मेष का लग्न में रह के पंचम स्थान, सप्तम स्थान पे स्पाउस हाउस का और पार्टनरशिप में विच्छेद, स्पाउस के साथ मतमालिन्य और नवम स्थान पे भाग्य स्थान पे दृष्टि जाने के कारण भाग्य में अवरुद्धता मेष राशि वालों को मिलने वाला है। तो ऐसे ही वृष राशि के द्वादश स्थान पे जाके द्वादश स्थान से पंचम दृष्टि में चतुर्थ स्थान को देखेंगे, सुख में हानि, सुख में कमी, भूमि भवन वाहन पे धोखा, माता स्थान पे माता का समस्या, और द्वादश स्थान से छठा स्थान पे देखेंगे रोग रिपु ऋण के घर पे। तो ये एक बेस्ट बेनिफिट होगा कि जब भी राहु का दृष्टि इस प्रकार के छठा स्थान पे जाता है तो रोग रिपु ऋण कंट्रोल रहते हैं, लेकिन चैलेंज और कंपटीशन लाइफ में बढ़ेगा और इस क्षेत्र से बिना फालतू का आपके जीवन पे चैलेंजेस आ जाएंगे। द्वादश स्थान में होने के कारण बिना फालतू का यात्रा, विदेश यात्रा, विदेश से लाभ और विदेश से काम, विदेश से संबंध बढ़ाएंगे, लेकिन एक नेगेटिव फल में कहा जाए तो कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, झमेला और पुलिस इत्यादि तक भी पहुंचा देते हैं, और ज़्यादा दुफल देने लगे तो जेल तक भी होना संभव होता है। लेकिन ये छठा स्थान, द्वादश से छठा स्थान पे सप्तम दृष्टि एक दृष्टिकोण से यहाँ से बचाव का भी काम करता है, और साथ में सब अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि तो चोर चपेट, एक्सीडेंट, मृत्युतुल्य पीड़ा, अचानक लॉस और अचानक लाभ भी यहाँ राहुदेव वृष राशि वालों को कराएंगे। तो ये वृष राशि वालों का। मिथुन राशि, मिथुन राशि से राहुदेव का गोचर एकादश स्थान पे, और एकादश स्थान पे कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल देता है, नो डाउट। और एकादश का राहु हमेशा एकादश स्थान, उत्तर बलि स्थान, लाभ का स्थान, बड़े भाई का स्थान, और यहाँ पर कोई भी ग्रह आते हैं तो अति उत्तम फल ही देते हैं। लेकिन राहुदेव का दृष्टि विच्छेदात्मक, क्रूर दृष्टि, तो एकादश स्थान से राहुदेव पंचम दृष्टि में
तृतीय स्थान छोटा भाई पराक्रम का स्थान पे देखेंगे, तो छोटे छोटे यात्रा बिना मतलब का बढ़ेगा, भाई बहनों से थोड़ा समस्या आना स्वाभाविक है, और इस समय मेहनत भी बहुत कराएंगे, पराक्रम भी बहुत करा देंगे। और राहुदेव का सप्तम दृष्टि तुला राशि पे यानी मिथुन राशि से पंचम स्थान पे दृष्टि जाएगा, तो लव अफेयर्स, ज्ञान इत्यादि में बाधा, पढ़ाई इत्यादि में बाधा, पूजा पाठ मंत्र जप इत्यादि में मन नहीं लगना, रुचि नहीं लगना, इस प्रकार का समस्या। नवम दृष्टि में सप्तम स्थान स्पाउस हाउस को देखने के कारण दाम्पत्य जीवन पे झमेला, बातचीत में असामंजस्यता, मन मालिन्य, मत पार्थक्य, झमेला झंझट। और आपके पार्टनरशिप व्यवसाय में थोड़ा समस्या, साथ में जो भी आपके यात्रा है, कुछ बिना फालतू का भी यात्रा, यात्रा से बहुत कुछ लाभ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस दृष्टि वहाँ पर धनु राशि में दृष्टि जा रहा है। तो मिथुन वाले अपने दाम्पत्य जीवन, छोटे भाई इत्यादि से सावधान रहें, पिता के ऊपर कष्ट नवम दृष्टि में थोड़ा सा संभावना है, तो इसलिए इन सारे विषय पे सावधान रहें। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय स्थान सिंह राशि सूर्य शत्रु के घर पे दृष्टि, धन स्थान कुटुंब स्थान कर्क राशि वालों के लिए, वाणी का स्थान पे राहु का दृष्टि आएगा, तो वाणी पे क्रोध, वाणी पे सडन कुछ बोलना और गलती के कारण आप दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे और झमेला झंझट झगड़ा तक बात जा सकता है। धन आगमन सडन गेन भी करा सकते हैं, सडन लॉस भी करा सकते हैं, क्योंकि राहु को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेष में तो राहु कोई बहुत आनंदित तो नहीं होते हैं, तो समस्या इस क्षेत्र में भी मिलेगा। और कर्क राशि से चतुर्थान माता का स्थान, भूमि भवन वाहन के स्थान पर राहु का दृष्टि और वहां केतु का उपस्थिति, और कर्क से दशम स्थान में राहु देव का गोचर, कर्म क्षेत्र में भिन्न प्रकार की बाधा आना, अवरुद्ध आना, ग्रहण लगना और आपके बॉस के साथ भैंसा भैंसी होना। चतुस्थान माँ का केतु, केत चढ़ाए खेत, तो भूमि भवन वाहन के प्रति आपका पैनी दृष्टि होना चाहिए। और उसके बाद छठा स्थान पे दृष्टि जाएगा नवम दृष्टि, इस क्षेत्र में आपको तो जरूर रोग रिपूरण इत्यादि से देंगे भी और छुड़ाएंगे भी, ऋण लेके फंसने का भी संभावना है, तो इसीलिए ऋण से बचें, इन्वेस्टमेंट से बचें, कर्म क्षेत्र में सावधानी रहें, किसी प्रकार का निर्णय ना लें, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के किसी भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बिजनेस पे अगर कर रहे हैं तो सावधान। और उसके बाद बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों का राहु देव का गोचर, स्वाभाविकतः नवम स्थान में और केतुदेव पराक्रम स्थान पे, तो अब सिंह राशि वालों के लिए राहु का गोचर धर्मस्थान में पाप ग्रह, पिता स्थान में पाप ग्रह, जर्नी के स्थान में पाप ग्रह, आध्यात्म और ज्ञान के स्थान में पाप ग्रह, तो इस समय आध्यात्म में रुचि घटेगा, बात विवाद तर्क करने लगेंगे, क्या है भगवान, क्या करना है, क्या होगा, तो इसमें आपकी चेतना और विवेक के ऊपर बाधा आएगा। सिंह राशि वालों के तृतीय स्थान पे सप्तम दृष्टि जाने के कारण पराक्रम, अहेतुक पराक्रम और प्रयास, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा फल मिलने का भी आसार नहीं दिख रहा है, लेकिन केतु यहाँ पर मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, तो छोटे भाई बहन के साथ वाद विवाद, छोटे भाई बहन और पराक्रम और यात्रा, इस समय संभावना दिख रहा है।
नवम स्थान से भी यात्रा का आसार दिख रहा है, यानी बिना फालतू का बहुत मेहनत। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सिंह राशि वालों के लिए इफेक्ट राहुदेव दे ही रहे हैं नवम स्थान से और तृतीय स्थान से। और राहुदेव वहां से नवम दृष्टि में सिंह राशि वालों का पंचम स्थान धनु राशि के ऊपर दृष्टि जा रहा है, तो पंचम स्थान हृदय स्थान, ज्ञान का स्थान, जप सिद्धि का स्थान, लव अफेयर्स का स्थान, एजुकेशन हायर एजुकेशन का स्थान, पेट का भी तो गैस इत्यादि बीमारी, नब्ज़ प्रॉब्लम्स, इस समय हृदय के ऊपर भी थोड़ा सा इफेक्ट, वाणी पे थोड़ा सा क्रूरता और क्रोध। और इस समय अगर सिंह राशि वालों का राहु महादशा चल रहा है तो नीम पे करेला चढ़ा, समस्या के ऊपर समस्या, मति विभ्रम सर्वम शून्यम। तो इस हेतु डराना नहीं है, ये आगाह करना है, जानना ही बचने का रास्ता है। बाकी जो भी आपका रेमेडीज हैं वो तो करते ही रहेंगे, बहुत सारे रेमेडी अवेलेबल है। लेकिन ये राहु और केतु से, क्योंकि यहाँ राहु आके बड़ा शांत नहीं होते हैं अग्नि कारक राशि में, अग्नि तत्व को, क्रोध को, क्रोध को और दिमाग में, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के सर है तो सबके दिमाग भ्रम भय के माध्यम से ही प्रचलित होंगे। और राहु जैसे पाप ग्रह जब दिमाग में आ जाए, ग्रहण लगा दे, जहाँ देखते हैं जहाँ बैठते हैं ग्रहण लगाने वाले होते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा दें तो जहाँ जाएंगे मेष राशि में, तो उसका हर जिसका जिस इस जगह जो भी हाउस पड़ रहा है उसमें ग्रहण होगा ही। उसके बाद बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि राहु का गोचर अपने से अष्टम स्थान पे, राहु का गोचर कोई बहुत अच्छा गोचर तो है नहीं, अष्टम स्थान चोर चपेट एक्सीडेंट, सावधानी से गाड़ी चलाएं। इस समय हालांकि अष्टम स्थान पे राहु बैठ के एनहेंस करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, ऑकल्ट साइंस पे रुचि बढ़ सकता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद अष्टम स्थान से तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन सडन गेन, क्योंकि अष्टम स्थान पे राहु कन्या राशि के द्वितीय स्थान पे, वाणी स्थान पे केतुदेव ऑलरेडी विराजमान हैं, तो वाणी के कारण आप अपने जीवन पे झमेला झंझट झगड़ा क्रूर वाणी वाणी विषमता इत्यादि उत्पन्न होगा, जिसके लिए अष्टम राहु कभी कभार चोर चपेट एक्सीडेंट कोर्ट कचरी माली मकदमा तक पहुंचा देता है। और अष्टम स्थान का राहु स्वाभाविक आदमी को ओवर पावर हाई टेम्परामेंट घमंड बढ़ाने का भी काम करता है, तो इस क्षेत्र में भी आपको सावधानी बरतना आवश्यक है। और चतुर्थ स्थान से दृष्टि जाने के कारण, माँ और सुख और भूमि भवन वाहन के स्थान पे दृष्टि जाने के कारण, इस समय भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने से सावधानी बरतें, भूमि के क्षेत्र में धोखा फरेब छलना होने का संभावना है। सुख में कमी, नेचुरली चतुर्थ स्थान पे दृष्टि जाने के कारण चतुर्थ स्थान से धोखा, तो इसे तो सावधान होना बड़ा आवश्यक है। और सुख में कमी होना और इधर से आपके द्वितीय स्थान पे केतु का होना, केतु जरूर बचाओ यहाँ से कर रहे हैं, एक मॉडरेटर का काम जरूर यहाँ पर निभाएंगे। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि से सप्तम स्थान पे राहु, तो सीधा बात है कि तुला राशि वाले सेवेंथ हाउस स्पाउस हाउस पति पत्नी के अंदर बातचीत पे संयमता बरतना, अपने जो अधर्यता है उस पर संभवतः अपने जानकारी के साथ कंट्रोल रखना। जो भी आपके पार्टनरशिप बिजनेस हैं पार्टनर से बहुत ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा एकदम अपने पास वाले लोगों से होगा। और इस समय जहाँ राहु केतुदेव बैठते हैं और जहाँ दृष्टि जाता है, जो भी गुप्त तत्व गुप्त चीज़ आपसे छुपाया भी जाएगा और आपका गुप्त चीज़ इस समय उभर के बाहर भी आएगा, जो भी लीगल इलीगल छुपा हुआ चीज़ है, तो इसलिए इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। हर चीज़ में झुक के चलना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना वाणी के क्षेत्र में। और जो तुला राशि वाले हैं
इनका पराक्रम पे राहुदेव का नवम दृष्टि जा रहा है, तो पराक्रम पे अत्यधिक मात्रा में बढ़ाना, छोटे भाई बहन के साथ झमेला समस्या, इसी हेतु सावधानी बरतें। और राहुदेव का दृष्टि तुला लग्न पे आएगा और लग्न में केतु देव हैं, तो तुला राशि वाले रोग पावर में थोड़ा सा कटुता क्रूरता छलना, व्यक्तित्व में कई प्रकार के आंतरिक रोग इत्यादि, मानसिक, जो चंद्र के ऊपर राहु का दृष्टि या राहु में राहु केतु का गोचर, इस समय मनोविभ्रम अहितुक भय मेष वालों को भी और तुला वालों को भी, तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक बनता है। तुला राशि वालों का राहुदेव का पंचम दृष्टि लाभ स्थान पे, तो इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा सावधानी होना। बड़े भाई इत्यादि के ऊपर दृष्टि जा रहा है तो सावधानी बरतना। और उसके बाद वृश्चिक राशि वाले, अभी आप थोड़ा सा हल्का जोन पे जरूर जाओगे क्योंकि केतुदेव निकल के आपके राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वृश्चिक राशि वालों का बदस केतु मोक्ष मुक्ति आध्यात्मिक सत्ता को बढ़ाने वाला जरूर होता है, लेकिन वहां पर राहुदेव का भी दृष्टि जा रहा है तो बहुत सारा खर्चा, अनावश्यक खर्चा, अनावश्यक यात्रा, इससे सावधान रहना जरूरी है। और वृश्चिक राशि का द्वितीय स्थान पर राहुदेव का दृष्टि परिवार कुटुंब के साथ मत पार्थक्य अशांति झगड़ा झंझट बिना फालतू का धन खर्चा, यानी द्वादश केतु और राहु का दोनों दृष्टि आपके द्वि और द्वादश में पड़ने के कारण खर्चा में बढ़ना स्वाभाविक दृष्टि है। पंचम दृष्टि राहुदेव का वृश्चिक वालों का दशम स्थान पे जाएगा तो स्वाभाविक बात है कर्म क्षेत्र में धोखा, कर्म क्षेत्र में बहस वाद विवाद, बॉस के साथ व्यवहार में कमी, तो इसलिए इस क्षेत्र पे आपको सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। अब वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनुराशि, तो धनुराशि के ऊपर राहुदेव का दृष्टि नवम दृष्टि आ रहा है, धनुराशि वाले इसी हेतु अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहें। नवम स्थान पे राहुदेव का दृष्टि है, धनुराशि वालों का धर्म में अरुचि और इस समय पिता का स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। लग्न पे दृष्टि, इसलिए आपका स्वास्थ्य के प्रति सावधान, मानसिक विभ्रम मति भ्रम बिना फालतू का भय, और आपके लाभ स्थान में राहुदेव का सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण लाभ में बड़े भाई में थोड़ा सा समस्या तो जरूर आएगा। मति भ्रम बड़े भाइयों से थोड़ा सावधानी व्यवहार अच्छा करें तो ये गोचर अच्छा से जा सकता है। मकर राशि वालों को कहें तो मकर देव राशि से चतुर्थ स्थान में राहु का गोचर, दशम स्थान में केतु का गोचर, 4 और 10 एक्सिस पे आ गया मकर राशि वालों का, तो सुख में कमी, सुख स्थान पे ग्रहण लगना और सुख स्थान के कारण धोखा फरेब षड्यंत्र का संभावना तो जरूर होगा। कर्म स्थान में केतु, तो केतुदेव यहाँ आपके कर्म क्षेत्र को राहु का दृष्टि आ रहा है तो इसमें कर्म क्षेत्र के प्रति बहुत सावधान होना जरूरी, बॉस के साथ अच्छा व्यवहार, नया काम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, नया काम के लिए प्रयास करके आप भ्रम में पड़ेंगे, अच्छा काम छोड़ के बुरे काम में फंसोगे। कर्म क्षेत्र में भ्रांति, कर्म क्षेत्र में गुप्त तत्व, गुप्त आपके पीछे षड्यंत्र होना, इसी हेतु मकर राशि वाले, मकर लग्न वाले थोड़ा सा सावधान होना जरूरी है। अष्टम स्थान पे गुरु बृहस्पति गुरु राहु का दृष्टि जाने के कारण चोर चपेट एक्सीडेंट और मृत्युतुल्य पीड़ा, साथ में यहाँ हालांकि ऑकल्ट गुप्त विद्या के ऊपर आपको रुचि बढ़ सकता है लेकिन वहां से भी विच्छेद करने का भी राहुदेव काम करेंगे। और आपके द्वादश स्थान पे गुरु राहु का दृष्टि आने के कारण अहेतुक खर्चा, बिना फालतू का यात्रा, विदेश संबंधी कई सारे संपर्क,
का भी संभावना है और उससे लाभ भी होने का संभावना है और व्यय भी होने का संभावना है। तो सोच समझ के अपने को कंट्रोल और धैर्य के साथ चलें। बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि के तृतीय स्थान पर राहुदेव का गोचर, ये एक अच्छा योग है। पराक्रम पे वृद्धि, छोटे भाई बहन के साथ। तृतीय में राहुदेव 3 पे 6 पे 11 पे जो गोचर होता है उसमें राहुदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। तो इस हिसाब में कुंभ के लिए बहुत ज़्यादा चिंता, लेकिन दृष्टि उनका बहुत विच्छेदात्मक और क्रूर। तो कुंभ राशि वालों का सप्तम स्थान, कुंभ से सप्तम सिंह पे दृष्टि जाएगा। तो 7.5 में जो हो गया कुंभ वालों का, चलिए बहुत सारे डिवोर्स केस झमेला माली मकदमा में गिरे, अब फिर से राहुदेव का दृष्टि वहीं सिंह राशि के ऊपर आने वाला है। तो नेचुरली मन मालिन्य मत पार्थक्य बात में असामंजस्यता झमेला बहस बढ़ेगा। राहुदेव का सप्तम दृष्टि कुंभ राशि वालों का नवम स्थान भाग्य स्थान पिता स्थान पे जाने के कारण पिता को कष्ट, पिता से कष्ट का संभावना, धर्म में रुचि नहीं रहना, बात विवाद बहस करना, भगवत भावना से दूर रहना और स्वाभाविक एकादश में दृष्टि जाने के कारण बड़े भाई लाभ क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी। लेकिन कुंभ के लिए मकर के लिए राहु कारक हैं, इसलिए लाभ तो जरूर देंगे, कुछ अच्छा तो जरूर करेंगे। लेकिन दृष्टि मेष राशि में रह के सिंह के ऊपर, तुला के ऊपर और धनु के ऊपर। तो तुला का दृष्टि ठीक है, उनका गुरु शुक्राचार्य का घर है, लेकिन बाकी सिंह और धनु के ऊपर जो दृष्टि जा रहा है ये बहुत अच्छा दृष्टि नहीं कहा जाएगा। मीन, अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के द्वितीय स्थान पर राहुदेव का गोचर, वाणी में बौखलाहट, बाचालता, अत्यधिक बात करना, ना समझी ऐसे बात करना, क्रोधपूर्ण बात करना, टंच कसना, बातों में वाणी में षड्यंत्र का रचना करना, जिसके कारण आपके जीवन पे उथल पुथल होना संभावना है। लेकिन अचानक लाभ और अचानक नुकसान का भी संभावना है। द्वितीय स्थान से अष्टम स्थान मीन राशि वालों का, मीन राशि से द्वितीय स्थान से अष्टम स्थान पे दृष्टि जाएगा, चोर चपेट एक्सीडेंट सावधान। और जिनका मीन और सिंह है दोनों का अष्टम स्थान पे राहु का दृष्टि जा रहा है तो इनके लिए और ज्यादा सावधान। अगर मीन राशि मीन लग्न हो या धनु राशि धनु लग्न हो, ये दोनों अगर किसी का एक आदमी का राशि लग्न हो या लग्न राशि हो तो उनके लिए ज्यादा सावधानी, क्योंकि अष्टम स्थान पे दृष्टि राहु का डायरेक्ट गिर रहा है। तो गाड़ी चलाने का टाइम सावधानी बरतें। मीन राशि से गुरु राहु का पंचम दृष्टि छठा स्थान रोग रिपुरण पे आ रहा है, तो रोग रिपुरण क्षेत्र में वहाँ दृष्टि जाने के कारण और शत्रु स्थान होने के कारण समस्या तो आएंगे। तो इसलिए शत्रु पीड़ा से सावधान, शत्रु से षड्यंत्र से सावधान। और राहु का सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, ये दो कर्म क्षेत्र के कारण में आने के कारण नवम दृष्टि से राहु का इस समय मीन राशि मीन लग्न वाले कर्म क्षेत्र को धैर्य के साथ संभालें, बॉस के साथ अच्छा संपर्क रखें, कॉलिग्स वर्कर्स के साथ अच्छा संपर्क रखें, कोई भी निर्णय काम चेंज करना नया नौकरी ढूंढने के पीछे ना जाएं, गुमराह होंगे, मति भ्रम होगा, सावधान। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार का ग्रह शांति यज्ञ हवन पूजा पाठ कर्मकांड रुद्राभिषेक चंडी यज्ञ चंडी पाठ इत्यादि करवाने हेतु आप जरूर संपर्क करें 9437580589 पे या फिर 9938727418 पे। साथ में अभी नवरात्र होने वाला है, नवरात्र का हम लोगों का साधना पीठ में साधना होता है, तो जो लोग भी इस साधना पीठ में साधना में भाग लेना चाहते हैं उनका व्यवस्था है, आप लोग जरूर यहाँ पर भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।